बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स में सागरिका सिंह। एंड आज की इस वीडियो में आपके साथ बताने वाली हूँ कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको याद रखनी है आपके पेंटिंग के बोर्ड्स के दौरान। ठीक है, आपका बोर्ड्स है अभी 2023 को 18 मार्च को आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है। फ्रॉम 10:30 to 1:30 आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सो आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है इस पूरे पेंटिंग के पेपर के दौरान। ठीक है, मेरे पास बच्चे आते हैं कि मैम हम 3 दिन पहले शुरू कर रहे हैं, 1 हफ्ते पहले शुरू कर रहे हो तो वेरी वेरी गुड है, 3 दिन पहले भी कर रहे हो तो भी वेरी वेरी गुड है। ठीक है भाई, और 1 रात पहले कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल है। सो मैं आपको बताना चाहूँगी आपके ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपको स्कोर करने में, लाइक 90 to 95% स्कोर करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। मेरे खुद पेंटिंग के पेपर में 97 out of 100 आए थे। ठीक है, मैं फ्लेक्स नहीं कर रही, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है जिससे कि आपके भी ऐसे ही मतलब फटाकेदार नंबर आ जाए। ठीक है, सो आपका पेंटिंग का पेपर है 70 नंबर का है आपका प्रैक्टिकल और 30 नंबर का है आपका थ्योरी का पेपर। ठीक है, हमें थ्योरी के पेपर पे फोकस करना है, आपका प्रैक्टिकल्स हो चुका है। ठीक है, सो थ्योरी के पेपर के लिए सबसे हमें जो 5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अपने पेपर के लिए, वो क्या क्या है। फर्स्ट इज वीडियो, फुल वीडियो एंड नोट्स। सेकेंड वन इज PYP, क्या है ये। थर्ड वन इज़ 1 short revision। फोर्थ वन इज़ कि आपको जो भी आपके डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने कराए हैं उस पर फोकस करना। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट मिनट नोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, एक साथ बढ़ते हैं लगातार फर्स्ट से। फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपको फुल वीडियोज़ देखनी है। फुल वीडियोज़ आपको मेरी देखनी है, आपको किसी और की देखनी है, इट्स अप टू यू, आपको जहाँ से समझ में आता है या फिर आपको आपके टीचर से समझ में आता है जो कि उन्होंने पढ़ाया था आपको, आपको वो रिकॉल करना है। इसके बाद जो इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जुड़ा हुआ है, दैट इज़ नोट्स का पॉइंट। ठीक है, नोट्स बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास लास्ट मिनट भी आते हैं बच्चे, दीदी मैं 1 दिन पहले कर रही हूँ कैसे करूँ, तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप नोट्स बना रहे हो तो आपके पास कोई पेंटिंग है, ठीक है, आप उस पेंटिंग को देख रहे हो तो उस पेंटिंग के ऊपर आपको उसको बिल्कुल अच्छे से 2 मिनट तक निहारो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो उसको निहारो, उस पेंटिंग को प्रॉपर अपने आंखों के सामने ऐसा सजा दो कि आपके सामने जब आप आंखें बंद करके उसके बारे में सोचो आपको प्रॉपर याद रहे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे जर्नीज एंड। ठीक है, तो जर्नीज एंड में हम क्या देखते हैं कि भाई जर्नीज एंड जो ये पेंटिंग है, मैंने सोचा अपने दिमाग में कि हाँ भाई इसमें कैमल था, वो स्टोनी ग्राउंड पे आके गिर गया था, वो उसका सिंपथेटिक लुक था, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, डम्ब एनिमल बोला गया था उसको वहाँ पे, ब्राउन कलर के शेड में था, ऑरेंज कलर का हल्का सा पीछे का सीनरी था, ब्लू कलर के स्टोन्स बनाए हुए थे, बिल्कुल डीप ब्लू कलर के स्टोन्स बनाए हुए थे उसमें, उसके जो बैक था हम्प था उस पे लोड था। तो ये सारी चीज़ें मुझे याद कैसे हैं, मैंने बहुत बार पढ़ा है इस वजह से नहीं, मुझे याद है क्यों, क्योंकि उसकी पेंटिंग को मैंने देखा है, उसकी पेंटिंग को मैंने अपने दिमाग में फिट कर लिया है। वही काम आपको भी करना है जब आप नोट्स बना रहे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो हर एक पेंटिंग के हिसाब से, वो है उसके पेंटिंग का पिक्चर। पिक्चर को अपने दिमाग में बैठाने की पूरी पूरी कोशिश करो। और आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, अगर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हो, मेरी आवाज़ जो सुन रहे हो उसको नोट डाउन करने की कोशिश करो कि हाँ भाई ये फोटो है और इसके आगे ये चीज़ें हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारे टीचर्स ने भी हमारे लिए करवाई थी वो थी कि हमने प्रॉपर जब नोटबुक बनाई थी, ठीक है, सो बहुत बच्चे कहते हैं जो नोटबुक्स भी नहीं बनाते, खैर, तो जब उन्होंने प्रॉपर हमसे नोटबुक्स बनवाई थी तो उसमें उन्होंने बताया था हमें कि आपको फोटोज़ लगानी है। ठीक है, फोटोज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, मेरे जो नोट्स है उसमें मिल जाएंगी। फोटोज़ उन्होंने उस प्रॉपर पेंटिंग के सामने चिपकवाई थी हमसे जिससे कि हमें याद रहे ये पेंटिंग है, उसके आगे ये डिस्क्रिप्शन है उसका। ठीक है, तो आप भी यही काम करो प्लीज़ अपने साथ, जिससे कि आपको जो पेंटिंग है और जो डिस्क्रिप्शन है वो सही से याद रहे, आपका फर्स्ट काम है। ठीक है, डन। सेकेंड काम जो आपका आता है, दैट इज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाना, देखना, सॉरी। तो आपको क्या करना है, CBSE की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ जा करके आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उसको नोट डाउन है, उसको देखना है कि आपके क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं। ठीक है, आप ये काम स्टेप नंबर 1 से पहले नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा आप उसको फिगर आउट नहीं कर पाओगे। सो आपको ये सेकेंड स्टेप करना है कि आपको जो है यहाँ पे नोटिस करना है इस चीज़ पे कि आपको कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो हर बार रिपीट हुई है। जर्नीज एंड, राधा बनी ठनी,
उसके बाद ट्रायंप ऑफ लेबर, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है। हल्दी ग्राइंडर, ठीक है, उसके बाद मदर एंड चाइल्ड, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। आपको ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, ठीक है। फिर हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं, वो है रिविजन करना। आपने पढ़ लिया, आपने उसके नोट्स बना लिए, आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिए, अब आपको देखना है कि भाई हमने जो पढ़ा है वो हमें याद है या भूल गए, ठीक है। तो अब आपको इसमें देखना है कि आपको रिविजन क्या क्या चीज़ें करनी है, इसमें आपको इसमें क्या क्या चीज़ें, मतलब आपको पूरा का पूरा रिविजन करना है। उसके बाद आप वन शॉट वीडियो देख सकते हो, इसमें आपको सब कुछ ऑलरेडी मैंने एक साथ बताया हुआ है, आप भी उसके साथ रिकॉल करो, अपने नोट्स रट में पढ़ते जाओ, आपको एक काम खत्म हो गया, ये थर्ड काम था, फिनिश हमारा। फोर्थ हम आएंगे, दैट इज अपने डिटेल डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है, खाली पढ़ना है और कुछ नहीं करना, उसको बैठ के रट्टू तोता की तरह तो मतलब रिपीट मत करते रहना। सो खाली एक बार पढ़ो, फिर अपने दिमाग में उसके नोट्स चलाओ, उसकी फोटो चलाओ, फिर एक बार दोबारा पढ़ो, खत्म, आगे बढ़ो। आपको ये काम करना है, आपको उसको रटना नहीं है, रटोगे भूल जाओगे। और द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी नोटिस करना है। आपने प्रीवियस ईयर तो देख ही लिए, अब आपको देखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जो इस साल आने ही आने हैं। प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक ही बात हो गई, बट आपको एक बार दोबारा इस चीज़ को नोटिस करना है कि कौन से क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ फिफ्थ पॉइंट में आता है आपका लास्ट मिनट नोट्स। अब ये लास्ट मिनट नोट्स वाले जो चीज़ मैंने आपको बताई ये है क्या, ये है बेसिकली, मुझे मेरे फ्रेंड ने बताई थी कि आपको एक पेपर लेना है, एक पेपर पे आपको सपोज आपका जो फर्स्ट चैप्टर है राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पूरा चैप्टर है आपके पास, आपने इसका एक ही पेज पे पूरा का पूरा चैप्टर आपको लिखना है। अब ये नहीं कि आप पूरा चैप्टर लिखने लग जाओगे, नहीं, खाली आपको इसमें आपके मेन मेन पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हमने शुरू किया, ठीक है, 19th century, दैट्स इट, खत्म। अब प्रबंसा स्टाइल, खत्म। उसके बाद जो राजा का जो उस टाइम पे काम था, तो जो भी चीज़ें थी आपको ये खाली मेन मेन चीज़ें, फोक स्टाइल्स, ये सारी चीज़ें जो है आपको उसमें नोट डाउन कर ली है, बस। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट 3 से 4 लाइन में खत्म। तो ऐसी ही चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। अब हम आते हैं इसी चैप्टर के पेंटिंग्स पे, 4 पेंटिंग्स है इसके अंदर, ठीक है। आपने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, उसमें आपने लिखा फर्स्ट पेंटिंग, सेकंड पेंटिंग, थर्ड पेंटिंग, फोर्थ पेंटिंग, ठीक है, 4 पेंटिंग लिख दिया आपने। अब क्या करना है, इसमें आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना, नहीं लिखना, कोई काम नहीं उसका, छोड़ दो उसे, ठीक है। तो इसमें आपको उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, आपको खाली क्या करना है, आर्टिस्ट, टाइम पीरियड, उसका क्या बोलते हैं टेक्निक, सब्जेक्ट मैटर, कलेक्शन तो खैर सब में सेम ही होता है, कई एक्सेप्शन है तो आप ले सकते हो। ये जो कुछ चीज़ें हैं, 4-5 पॉइंट जो ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि टीचर इसी से इंप्रेस होते हैं कि भाई इसको ये छोटी छोटी चीज़ें भी याद है, वाह। तो यही चीज़ आपको टीचर को दिखाने की, हाँ भाई मुझे याद है, ठीक है। नो डाउट आपको अगर आपके पास 6 चीज़ें हैं, 7 चीज़ें हैं, कोई 3 चीज़ें भी अगर आपको याद हैं और डिटेल डिस्क्रिप्शन, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, उसको फॉर्म्यूलेट करना है, लिखने का तरीका कैसे होना चाहिए वो आपको आना चाहिए। मैं अपनी इस वीडियो के एंड में कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए बता दूँ कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। अगर यहाँ नहीं ऐड कर पाऊँ मैं, तो कोई मतलब जैसे टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी दिख गया होगा, ठीक है, यहाँ पे बता दूंगी कि आपको यहाँ से जाकर के आप यहाँ पे इसके प्रॉपर आंसर्स हैंड रिटन मैं आपको लिख के बता दूंगी कैसे लिखने होते हैं। पेपर में आएंगे तो आपको उसको कैसे फ्रेम करना है, देखो पेंटिंग का पेपर ना बहुत ईजी होता है, 30 नंबर का पेपर है, आपके पास टाइम अगर बच जाता है वेल एंड गुड, नहीं बचता है तो राइटिंग स्पीड बढ़ाना प्लीज़। एंड हर एक आंसर के बाद प्लीज ट्राई टू एटलीस्ट लीव 3 लाइन छोड़ने की कोशिश करो, जिससे कि जो आपका पेपर है वो थोड़ा खुला खुला दिखाई दे, राइटिंग है वो क्लियर क्लियर लिखना, खुला खुला लिखना, पेपर की कोई कमी नहीं है, बहुत पेपर है हमारे CBSE बोर्ड वालों के पास, तो आपको पेपर प्रोवाइड कर देंगे, शीट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, तो खुला खुला लिखना। एंड अगर टाइम बचता है तो लाइंस, हर एक आंसर के बाद लाइंस ड्रॉ करना, ठीक है। बीइंग अ टॉपर, सो मैंने यही काम किया था अपने एग्जाम के टाइम पे, ठीक है, तो मैंने हर एक आंसर के बाद लाइन किए थे, क्यों, क्योंकि मेरे पास टाइम बचा था, ठीक है। नहीं बचता है, सबसे पहले अपना पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो खैर ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, आपको अपने पेंटिंग के पेपर के लिए जो कि 18 मार्च को है उसके लिए फॉलो करने हैं। जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए भी बिल्कुल ठीक है, जिसने पढ़ा है उसके लिए भी बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा है, उसके लिए तो डबल रिविजन हो जाएगा।
और जो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है, मिड से स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए भी बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड डेफिनेटली कुछ पूछना है, सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम जो मैं कैमरे के सामने आकर के आपके साथ बात कर रही हूँ, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ थम्स अप। एंड कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बाय। इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स करो, तुम खटर पटर कर लो। मैंने किया भी नहीं है। आपके लिए क्या प्रॉब्लम है तुमको? काफी अच्छा धारा था, मेरे से रहा नहीं गया।